कलर्स टीवी का ये शो क्यों हो रहा है ऑफ एयर। इसी साल शुरू हुआ ये हॉरर रियलिटी शो, जिसको आप एक सुपर नेचुरल शो भी कह सकते हो। इस शो को मेकर्स क्यों रिप्लेस कर रहे हैं, कौन सा वो शो है जो इस शो को रिप्लेस करेगा, इसके साथ साथ शो के आने वाले लास्ट एपिसोड के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरे एंड तक जरूर देखना। नायरा बनर्जी और इस शो में जिया शंकर आपको नजर आते हैं। अरिजीत तनेजा जैसा दोस्तों एक्टर आपको अगर इस शो में नजर आए तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा शो होगा। दरअसल ये शो है पिशाचिनी, जो कि इसी साल ऑन एयर किया गया था। 8 अगस्त को ऑन एयर किया गया शकुंतलम टेलीफिल्म्स द्वारा। इस शो में आखिर ऐसा क्या हो गया कि मेकर्स इस शो को चंद महीनों में ही ऑफ एयर करना चाहते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं। दरअसल शकुंतलम प्रोडक्शन हाउस ने जब इस शो को ऑन एयर किया था तब ये शर्त रखी गई थी कि इस शो को कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए ही ऑन एयर किया जा रहा है, क्योंकि ये शो अब तक दोस्तों आपने जितने भी कलर्स टीवी पर शो देखे हैं उनसे बिल्कुल अलग है। ये एक सुपर नेचुरल हॉरर शो है। इसी के चलते मेकर्स ने इसको 100 एपिसोड टेलीकास्ट करने का पहले कहा था, और अब आने वाले दिनों में इसी को देखते हुए पिशाचिनी को जनवरी में ऑफ एयर कर दिया जाएगा। जनवरी के मिड यानी कि 2023 में ये शो आपका साथ छोड़ देगा और हमेशा हमेशा के लिए ऑफ एयर हो जाएगा। इसके पीछे के दो मेन रीजन हैं। एक है कि शकुंतलम टेलीफिल्म्स ने यह भी कहा था कि अगर शो की टीआरपी अच्छी होती है तो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, जो कि उतनी अच्छी नहीं है, प्रॉमिसिंग नहीं रही है शो की टीआरपी। और दूसरा पॉइंट है कि प्रोडक्शन हाउस ने पहले ये डिसाइड कर लिया था कि हम इस शो को एक लिमिटेड टाइम पीरियड, एक लिमिटेड टाइम स्लॉट के लिए बनाएंगे, और इन दिनों कलर्स टीवी पे आपको पता ही होगा सैलाब आ चुका है नए नए शो का। तो इसी के चलते कलर्स टीवी भी अब ये चाहता है कि इस शो को ऑफ एयर कर दिया जाए। तो अगर आप इस शो के फैन हैं तो आपको क्या लगता है, क्या मेकर्स को शो को ऑफ एयर कर देना चाहिए या फिर इस शो को एक्सटेंशन मिलना चाहिए? अपना ओपिनियन शेयर जरूर कीजिएगा हमारे साथ कमेंट बॉक्स में। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।